नमस्कार दोस्तों, मैं बीआर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और आज पढ़ेंगे करौली का इतिहास। बहुत छोटा सा इतिहास है, 5-7 शासक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से एक सवाल पूछ लिया ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं करौली का इतिहास। देखो, करौली के इतिहास ने आप दो भागा बांट लेंगे। सारों ने पहला पृष्ठभूमि पढ़ लेंगे, अभी बाद में करौली के जो प्रमुख शासक है जिनकी बात कर लेंगे। तो पृष्ठभूमि यदि आप बात करें तो पहली बात तो देखो, करौली जो है मानचित्र में देखो करौली की लोकेशन कटी सी है। तो ये वाला जो बेल्ट है ना, ये आपका है करौली, है ना। तो ये करौली के अंदर जको राजवंश हो, है ना, तो करौली के राजवंश है यादव। करौली में जिन्होंने शासन किया तो वो यादव आ, ठीक है। दूसरी बात यदि आप बात करें तो यादवांगी जी की कुलदेवी है, करौली का जगह यादव है, बाकी कुलदेवी है वो कुलदेवी है केला देवी, याद रहे जी। तो कुलदेवी है वो इनकी है केला देवी, और केला देवी को मंदिर करौली के अंदर ही और काली सील नदी के किनारे है। ध्यान रखना कौन सी नदी, काली सील नदी के किनारे। तो काली सील नदी के किनारे करौली में यादवांग कुलदेवी केला देवी को मंदिर है। और खास बात, राजवंश को नाम यादव वंश है और ये केला देवी है, इनके बारे में 2-3 बातें याद रख लियो। ये अंजना माता का अवतार है, अंजना माता का अवतार याद रह जाएगा। और खास बात बतावे कि कंस जो की लड़की को, जो देवकी की एक बच्ची पुत्री थी जिके को वध करो, बा बच्ची है वो आकाश मार्ग से ऊपर चली गई और धरती पर जठा उतरित हुई, बा करौली के त्रिकूट पहाड़ी है बैठा उतरित होगी। तो आ यादवांगी है कुलदेवी। तो पृष्ठभूमि में तो सो याद रखना है, करौली के अंदर राजवंश को नाम है वो है यादव, अंगी कुलदेवी है केला देवी, करौली के अंदर कालीसील नदी के किनारे त्रिकूट पहाड़ी पर है, अंजना माता को अवतार बोल कवाई ने, है ना, केला देवी ने। और खास बात याद रख लीजिए, यहाँ लक्खी मेला भरता है ना, लक्खी मेला भरता है। मीणा जाति के लोग यहाँ आते हैं और लांगुरिया गीत गाते हैं ना, लांगुरिया गीत और जोगणिया नृत्य, ये कई बार पूछते हैं, जोगणिया नृत्य और अलगोजा वाद्यंत्र, ये 2-3 बातें याद रखो। लक्खी मेला भरता है केला देवी के, है ना, मंदिर में लक्खी मेड़ो भरे, मीणा जाति का लोग लांगुरिया गीत का जोगणिया नृत्य करे और अलगोजा वाद्यंत्र बचा। तो पृष्ठभूमि के अंदर इतनी सी बात है। अब यदि आप शासक की बात करें करौली के राजवंश में, तो पहला शासक आप याद रख लीजिए विजयपाल, बहुत ईजी है। देखो विजयपाल है वो पहलो ही आदमी है इन वास्ते अंग संस्थापक आप बोल सका, है ना, संस्थापक बोल सका। तो विजयपाल है तो करौली में जो यादव राजवंश है वो संस्थापक है। विजयपाल के बाद दूसरा शासक याद रखो बहुत छोटा सा है, तीमनपाल। तो विजयपाल के बाद आप याद रखिए तीमनपाल ने। तीमनपाल के बारे में एक ही बात है, देखो तीमनगढ़ को किले है वो तीमनपाल बनायो, तो बहुत सिंपल तीमनगढ़, तो तीमनगढ़ को दुर्ग बनायो तीमनपाल। तो देखो पहला विजयपाल है जो संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, दूसरा हो जाएगा तीमनपाल जगह तीमनगढ़ को दुर्ग बना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है और उन शासक को नाम है अर्जुन पाल, बहुत ईजी है। देखिए अर्जुन पाल है, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने करौली को बसाया था। करौली को पहला नाम हो कल्याणपुर, देखो करौली को नाम है कल्याणपुर, तो करौली या कल्याणपुर बसाया, पहली बात अर्जुन पाल। दूसरी बात, करौली के अंदर ही केला देवी को के बनायो मंदिर, जो इनकी कुल देवी है काली सील नदी के किनारे। तो काली सील नदी के किनारे उन्होंने क्या किया, करौली बसाया और करौली के अंदर केला देवी का मंदिर बना दिया। बस अर्जुन पाल के बारे में इतनी सी बात याद रखनी है। अर्जुन पाल के बाद एक शासक होते हैं वो आप याद रखिए हरवक्ष पाल। देखिए हरवक्ष पाल इम्पोर्टेंट है, खास बात हरवक्ष पाल की, क्योंकि देखो ये राजस्थान है और राजस्थान आधुनिक भारत को आप इतिहास पढ़ा, जब आप देखा कि अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आवे और 20 श्रेणी का जगह स्टेट है, मतलब देश से रियासत बंगसा के एक एक कर गए संधि करे। तो सारों ने पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक संधि लेगा वह राजस्थान के रियासत के करे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की उस संधि का नाम है अधीनस्थ सहयोग संधि, याद रखियो अधीनस्थ सहयोग संधि या इंगो नाम है आश्रित, तो याद रखो अधीनस्थ सहयोग या आश्रित पार्थिकी की संधि।
करौली है वो सर्वप्रथम कर जो रियासत है इसने डेकमनी के साथ करती है अधीन सहयोग या आश्रित पार्थिकी की संधि 1817 के अंदर बिन टाइम अट करौली को राजा वह कौन हर वक्षपाल। याद रखियो राजस्थान के अंदर पहली रियासत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीन सहयोग या आश्रित पार्थिकी की संधि करते हैं 15 नवंबर 1817। नेक्स्ट याद रखो हरवक्ष के पाल। नेक्स्ट याद रखो मदन पाल। मदन पाल जो राजा हुए करौली को बिंग में बार बार सवाल पूछे तो एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखो 1817 में हरवक्ष पाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और मदन पाल के समय की घटना है 1857 की केव है क्रांति। तो 1857 की क्रांति के अंदर क्योंकि राजस्थान के रियासत अंग्रेजा सगे अधीन सहयोग के आश्रित पार्थिकी की संधि कर रखी थी तो राजस्थान का जितनी भी रियासत है 1857 की क्रांति के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग करे। तो बिंग क्रम में करौली को बिन टाइम राजा हुआ मदन पाल। तो देखो करौली का राजा कौन है मदन पाल। तो वो आपके रियासत में तो क्रांतिकारियों को दमन करे ही करे। बी टाइम की बात देखो कोटा। कोटा को राजा हो राम सिंह सेकंड। आप 1857 की क्रांति में बात करेंगे इस राम सिंह सेकंड को वहाँ के लोगों ने कैद कर लिया था 6 माह तक। तो ये राम सिंह ने छुड़ाने वास्ते अंग्रेज अधिकारी है वह याद रखिए उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है रॉबर्ट्स। क्या नाम है रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स आपकी सेना लेगा तो मदनपाल इनके आजेस आ गए। तो रॉबर्ट्स प्लस मदनपाल दोनों ने मिलकर ये राम सिंह सेकंड ने क्या करावा है मुक्त करावा है कैद से क्या कराते हैं रिहा करवाते हैं। तो कोटा पर क्रांतिकारियों को कब्जो छुटाने वास्ते और राम सिंह सेकंड ने जेल और रिहा कराने वास्ते जो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स भी वो सहयोग करे मदनपाल इन वास्ते याद रखो 1800 की क्रांति के दमन के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इस मदन पाल को 17 तोपों से सलामी लेने का अधिकार दे देते हैं। तो देखिए ये इनकी क्या किया सहयोग किया हेल्प किया तो इस मदन पाल को कितना 17 तोपों से सलामी का अधिकार 17 तोपों से सलामी लेने को अधिकार दे देवे। ठीक है तो बस इतनी सी बात याद रखनी है मदन पाल 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग किया कोटा के राम सिंह सेकंड को रिहा करवा दिया रॉबर्ट्स के साथ मिलकर अंग्रेज खुश होकर उनको 17 तोपों से सलामी लेने का अधिकार दे दिया। देखो बहुत सिंपल है 4-5 शासक है विजयपाल संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष है तिमनपाल तिमनगढ़ का किला अर्जुनपाल करौली कल्याणपुर बसाया और कालीसील नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर बनाया। हरवक्षपाल अंग्रेजों ने 1817 अंग्रेजों के साथ 1817 ने हरवक्षपाल ने आश्रित पार्थक्य की संधि अधीन सहयोग संधि की और मदनपाल 1857 की क्रांति के समय शासक थे। बहुत सिंपल है बहुत ईजी है एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।